पीएम मोदी आज करेंगे स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण। संघ प्रमुख मोहन भागवत से क्यों मिले ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर। महाराष्ट्र में आज से खोले गए सभी धार्मिक स्थल। दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल को क्यों कहा आतंकियों का गढ़। देश से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप नाइन राष्ट्र। पीएम मोदी आज राजस्थान के पाली में जैन भिक्षु आचार्य विजय बल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे। 151 इंच ऊंची अष्ट धातु प्रतिमा विजय बल्लभ साधना केंद्र जेठपुरा में स्थापित की जाएगी। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओ'फेरल ने नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और कोविड-19 को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी साझा की। फेरल ने ट्वीट किया कि आरएसएस कोरोना के दौरान समुदाय की सक्रिय तौर पर मदद कर रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 7 महीने से बंद धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं। भक्त सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहनना और कोविड से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि बंगाल आतंकवादियों और देशद्रोहियों का केंद्र बन गया है। लोग अन्य स्थानों से यहां आकर शरण ले रहे हैं और बंगाल की हालत कश्मीर से बदतर हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास पाकिस्तान से हुए सीज फायर उल्लंघन के दौरान शहीद हुए जवानों को सेना ने श्रद्धांजलि दी है। हमले में 6 जवान शहीद हुए थे। बदले में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के आधारभूत ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचाया। दिल्ली में बारिश के बाद दिल्ली फायर सर्विस को सड़कों पर तेल गिरने की शिकायतें मिली। लोगों की शिकायत थी कि सड़क पर तेल के चलते उनकी गाड़ियां फिसल रही हैं। मामले की जांच में अधिकारियों ने पाया कि पेड़ों से चिकने पदार्थ के रिसाव के कारण ऐसा हुआ होगा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 88,44,000 के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 29,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 447 लोगों की मौत हुई है। देश में सबसे ज्यादा करीब 2,500 मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सूची में शामिल लोग तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में चुनाव लड़ेंगे। सोमवार को बीजेपी ने